भाई और बहनों, आपके शहर में रोजाना चार शो, फुल रंगीन, ईस्टमैन कलर, मटन करी, मटन करी, मटन करी, फाइनली होम स्टाइल मटन करी। रोलिंग एंड एक्शन। भाई, मटन करी की रेसिपी के बारे में ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कम ज्ञान दूंगा सिर्फ दो चीजों के बारे में, एक तो मटन के बारे में और एक करी के बारे में, ठीक है ना। तो मटन जो है, ये शब्द इसका गोट मीट से कोई कनेक्शन नहीं। जो हमें मिलता है वो गोट का मीट जो है वो मटन नहीं होता। मटन एक्चुअली एक उम्र से बड़े भेड़ के मीट को कहते हैं, यानी कि जब एक भेड़ छोटी होती है तो उसे लैम कहते हैं, बड़ी हो जाती है तो उसे मटन कहते हैं। और ये बहुत समय से यही नॉमेनक्लेचर चल रहा है। हम जो गोट मीट यूज़ करते हैं वो मटन नहीं है, बट इट्स ओके। अब हमने उसको मटन बना लिया तो उसको हम मटन की तरह ट्रीट करते हैं। एक बहुत बड़ी धारणा है कि भाई मटन जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। रेड मीट लोग कहते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया के लिए रेड मीट का जो मतलब है वो कुछ और है, मटन नहीं। मटन में एक्चुअली चिकन से आधे सैचुरेटेड फैट होते हैं। इट हैज़ हाफ द अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट ऑफ अ चिकन, यानी कि फैट प्रोफाइल के हिसाब से चिकन से हेल्दियर है। जो ब्रिटिश लैम्ब है, शीप मीट, उससे कम फैट होता है, उससे हेल्दियर है। और फॉर बिगर रेड मीट्स, उनके मुकाबले सिर्फ दो तिहाई कैलोरीज है। तो जो हमारा गोट मीट है ना, जिसको हम हमारा मटन जो है वो एक्चुअली बहुत हद तक सेहतमंद है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर रेड मीट्स। एंड दैट इज़ वाई रेड मीट को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, खासतौर जब हम गोट मीट खा रहे हैं। तो मटन करी बनाने के लिए हमको चाहिए मटन। तो ये जी 800-100 ग्राम मटन है। इसका जो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक तरफ मटन में जिंजर गार्लिक पेस्ट, 800 ग्राम में 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप दही, मोटा मोटी टूटी हुई ये हरी मिर्च। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, रणवीर ब्रार स्पेशल। जो खाए वो याद करे, जो ना खाए वो पछताए टाइप्स। देगी मिर्च है, हाँ, देगी मिर्च के बाद हींग, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बे इंतहा धनिया, थोड़ा सा घी, ताज़ा धनिया। अब ये सब लिया और इसको गोश्त के साथ मिला के, बड़े ध्यान से, हड्डियाँ होती हैं गोश्त में, हाथ ना कट जाए। ये हो गया पार्ट नंबर 1। टमाटर नहीं डालता मैं कभी भी मैं अपने मटन में टमाटर नहीं डालता। और आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी टमाटर ना डालें, क्योंकि मटन का जो मेल है ना वो प्याज के साथ है, टमाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब पार्ट नंबर 2, ग्रेवी। घी लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच, तेल। अब इसके बाद खड़े मसाले, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, और अगर दगड़ फूल है तो दगड़ फूल। ये गए खड़े मसाले। खड़े मसाले के बाद ये गया प्याज, और गैस कर दी तेज। अब बनाएंगे आरबी स्पेशल मीट मसाला। आरबी स्पेशल मीट मसाले के लिए धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री, ऑप्शनल है, नहीं डालनी मत डालिए, ये ऑप्शनल नहीं है, बड़ी इलायची, काली मिर्च 2 बड़े चम्मच, 1 लौंग, छोटी इलायची 1, 2, 3, 4, 5, और दालचीनी, बड़ी इलायची और दालचीनी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं, और लौंग थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब लौंग अपना अब 4 हो गया और दालचीनी 1.5 स्टिक हो गई। जहाँ एक तरफ प्याज भुन रहा है वहाँ दूसरी तरफ मटन का मसाला बना लेते हैं।
थोड़ा नमक, नमक जो है वो मसाले को भुनने में मदद करता है, टेम्परेचर इवन आउट कर देता है। ये ट्रिक है, हर एक को नहीं बताते। नमक के साथ में सारे मसाले लेने हैं भून। अब मकसद क्या है ना, आपको बताता हूँ मकसद क्या है कि प्याज जो है मिठास और रंग देगा ग्रेवी को। तो अगर प्याज आपने जल्दीबाजी में थोड़ा कच्चा छोड़ दिया, ना तो मिठास आएगी ना ग्रेवी पे रंग आएगा, और ये मसाला भी जो खुशबू, रंग और स्वाद तीनों देगा। तो अगर इसको भी बराबर से नहीं भूना तो फिर ना टेस्ट आएगा ना मटन में कलर आएगा। अब इसको हम लेते हैं पीस। पीसने के लिए हमारे पास एक पहलवान है, आओ सागर। इन्होंने पीछे इमाम दस्ता जो है लगा रखा है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा ना वो इमाम दस्ता रख के ऐसे घोटते हैं, तो पीछे इनके पास एक इमाम दस्ता है जिसका नाम है फिलिप्स मिक्सर, उसमें ग्राइंड करके ले आएंगे। देखो जी, प्लीज़ 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 मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। प्याज अगर यहाँ पर नहीं पका बराबर से तो फिर उसके बाद नहीं पकेगा प्याज। प्याज के रेशे रेशे मुँह में आएंगे, मटन करी बनाने जाएंगे आप, बन जाएगा कुछ और ही। और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था प्याज को बराबर से पकाना है। देखा, ले आया सागर मसाला इमाम दस्ते में पीस के। अभी ये लाइट ब्राउन से ऊपर हो गया ना, लाइट ब्राउन के, इसका मतलब अब इसमें गोश्त डालने का टाइम। शेड कार्ड लेके बैठिएगा जब मटन बना रहे होंगे, यहाँ वीडियो चला लीजिएगा, कोई बात नहीं। अभी ये जो प्याज भुना है ना उसको अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त को चाहे भूने कम, लेकिन इतना ज़रूर भूनना है कि गोश्त अपना पानी छोड़ दे, उसके बाद सीटी लगानी है, भूल जाना है बस, सिंपल। थोड़ा नमक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और अदरक लहसुन का पेस्ट 50-50, मटन में हमेशा 50-50, जितना अदरक उतना लहसुन। डन। अब डालना है इसमें पानी। साथ में हमारा वाला मीट मसाला थोड़ा सा, अभी यूं समझ लीजिए कि एक छोटा चम्मच बस, बाकी बाद में डालेंगे। एंड नाउ वी वेट। देखिए, हर कुकर का हिसाब अलग होता है, जैसे इसमें मेरे को लग रहा है कम से कम 6-7 सीटी तो लगेगी, 6-7 सीटी तक इंतज़ार करना है, उसके बाद निकाल के मटन को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके थोड़ा मसाला और डालेंगे, एंड वेट डन। सो सिंपल, तीन चीज़ थी, प्याज ब्राउन करना, मटन मैरिनेट करना और मसाला बनाना, बस। और हाँ, अगर टाइम हो और रात में मटन ले आए तो उसको दही, जिंजर गार्लिक और जो मसाले हैं वो लगा के छोड़ दें, मटन बढ़िया नरम हो जाएगा, जल्दी पकेगा, सीटी कम लगेगी और दूसरा ज़्यादा टेंडर रहेगा पकने के बाद, ठीक है ना जी। करी, करी जो शब्द है ना वो बहुत कन्फ्यूजिंग, जैसे मटन कन्फ्यूजिंग है ना, करी उससे भी कन्फ्यूजिंग शब्द, क्योंकि करी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर करी या तरी या ग्रेवी या मसाला अलग होता है। करी जो है उसकी शुरुआत हिंदुस्तान से हुई, लगभग 4000 साल पहले मसाले कूटने के अवशेष जो हैं वो हिंदुस्तान में मिले हैं। तो मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि मसालों को मिलाकर जो रसा है, जो अलग अलग चीज़ों के साथ खाया जाता था या बनाया जाता था, वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ। अब वो रसा समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर जगह अलग स्पाइसेस थे, अलग फ्लेवर्स थे। तो ब्रिटिशर्स जो आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, किसी भी स्पाइसी सॉस को हम करी बोल देते हैं, समझने में इजी हो जाएगा। अब इतने मसाले कौन समझेगा कि भाई साउथ में ये मसाला जाता है, नॉर्थ में ये जाता है, नॉर्थ में ये 10 तरह की ग्रेवी में 10 तरह के मसाले जाते हैं। उन्होंने एक मसाला बनाया, उसका नाम रखा करी पाउडर, और उसके बाद उन्होंने कहा देखिए, आज के बाद ये है करी,
यानी कि एक स्पाइसी इंडियन ग्रेवी जो आप किसी भी चीज़ के साथ खा लें। तो करी जो है वो एक एंग्लो इंडियन वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं, अंग्रेज़ों का दिया गया शब्द है करी, जिसे हम जगह जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कढ़ी जो शब्द है कड़के बनने के बाद उससे उन्होंने करी लिया है, कुछ लोग कहते हैं करी पत्ते से करी लिया है। करी पत्ता जो है वो शब्द भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। करी लीफ इज नॉट एन इंडियन टर्म। तो अगली बार जब आप करी बनाए ना, तो आप ये याद रखिए कि डिश आपकी है, मसाले आपके हैं, रेसिपी आपकी है, लेकिन नाम बाहर से आया हुआ है। एंड डन, काम खत्म। एक छोटा सा काम रह गया बस। तो मसाला हमने बनाया ना, उसको घी में भून के रेडी करना है बस। भाई घी तो डालना जरूरी है ना, अभी क्या करूं मैं, आप बताइए। मैं घी नहीं डालूंगा, आप बोलेंगे रणवीर खाना ही नहीं बना रहा, प्रेशर में आ गया। तो 800 ग्राम मटन में आधा चम्मच, या यूं कह लीजिए एक छोटा चम्मच हमने पहले डाल दिया था, और लगभग एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे अब। तब इस मसाले को घी में भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ खुशबू आने तक भूनना है। ये हमारा मीट मसाला जिसे हमने घी में भून लिया। भाई लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेने वाली बात है कि खत में जो है कहानी बड़ी अच्छी है। नाइस। इसमें डाल दिया ये भुना हुआ मसाला, जो कि ज़्यादा लग रहा था, अब सही हो गया अपने आप। ये जो गाढ़ापन है ये दही और प्याज का है। थोड़े धनिया के पत्ते डाल देते हैं टू फिनिश। ओ बल्ले, हाँ धनिया, सम थिंग्स नेवर गेट ओल्ड एंड कोरिएंडर इज वन ऑफ देम। देखिए बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बनाएगा ज़रूर, बनाने के बाद बताइएगा ज़रूर, बताने के बाद नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज लव इज़ टू बी शेयर्ड।